few moments later. गुड मॉर्निंग जी, राम राम, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं सानिया बीच के किनारे का ये दृश्य, और उस साइड पे आप देख रहे हैं वहाँ पे एयरपोर्ट है, और यहाँ वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े धुल रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? हाँ, आपने ये गिरा दिया पूरा पेड़ है। अमन को हम जो है एक अच्छी सी कैप पहना कर लाए हैं। ये जगह जो है सानिया बे, इसका नाम है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सुबह आपको रनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। GoPro 9 मेरे पास है, इसको ट्राई करना चाहूँगा कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं। वो बोलता क्या है हमें भी समझ में नहीं आता है। अगर वो हिंदी बोलेगा तो चाइना वालों को भी समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बीच पे जहाँ तक उनको मम्मी पापा बताते हैं तो वहीं तक रहते हैं। कुछ बच्चे जो बदमाशी करते हैं, थोड़ा आगे तक आ जाते हैं, उनको कभी कभी खतरा हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप बीच के पास आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो भाई उनको दूर ही रखना है, क्योंकि ये लहरें ऐसी होती हैं, कभी माफ़ नहीं करती हैं। हाँ, अमन के हाथ में कुछ दे दिया योगिता ने, तो यहाँ पर रुक गया है। ओहो, फिर भाग रहा। वो बार बार जो है ना सी साइड की तरफ भागने की कोशिश करता है, हमेशा पानी की तरफ। बिल्कुल भी डरता नहीं, देखो इतना बड़ा बच्चा, वो डर के भाग गया। इसको डर का पता ही नहीं है भाई, ये देखो इसको डर का मतलब पता नहीं है, डर कुछ है ही नहीं। और ये देखिए, माला मोती बेचने वाले लोग ये स्कूटी पे बहुत चूना लगा लेते हैं। कई बार ये लोगों को 10 गुना रेट हाई रखते हैं। और ये रही मेरी सुंदरी माय ब्यूटीफुल नेगा समझोन गाइस। ये है हाइवान लू। लू का मतलब होता है मतलब रोड, हाइवान लू। पता ना चाइना का ये, और ये वाला जो है भाई, ये वाली जो दो बिल्डिंग्स हैं तीन, ये जो है इसका रेंट जो है बहुत ज्यादा महंगा है। यहाँ पे 2 BHK का रेंट जो है 2 लाख रुपया से 2.5 लाख 3 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से है यहाँ पे। वो डिपेंड करता है फ्लैट की कंडीशन के हिसाब से और अंदर की फैसिलिटीज। लेकिन क्यों इतना एक्सपेंसिव है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे, यहाँ से सीधा फ्रंट पे, बैक साइड पे जो है वो है बीच, है सानिया बीच। दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेंट पे ये साइकिल ले सकते हैं। अगर आपके पास चाइना का वीचैट है तो यहाँ पे ये कोड को स्कैन करना है और ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और सिक्योरिटी के तौर पे आपके 100 युआन जो है मतलब 1000 रुपीस होता है ऑलमोस्ट, वो कट जाता है। और ये साइकिल आप जो है कहीं भी लेके जा सकते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन आपको ये खड़ी वहीं पे करनी होती है जहाँ पे इनका स्टैंड बना होता है इस तरह का, अदरवाइज आपने कई बार खड़ी कर दी तो आपके पैसे जो है कंटिन्यू कटते रहेंगे। और ये हैं यहाँ के चाइना के सफाई कर्मचारी, जिनके पूरे मजे हैं, आप देख सकते हैं। इनका काम है सफाई करना इस रोड पे सफाई करना। आप देख रहे हो, इस रोड की सफाई करना जो है इनका काम है, जो कि आप देख ही सकते हैं। जब कूड़ा ही नहीं डालते हैं यहाँ के लोग, तो सफाई कर्मचारी जो है आराम करते हैं। और दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि जब हम प्लास्टिक, कोई कूड़ा कचरा ऐसे रोड पे फेंक देते हैं, अरे यार तेरा सफाई कर्मचारी क्यों है इस, है ना, उसकी ड्यूटी है। कई बार होता है कई लोग ना घमंड में कूड़ा कचरा, चिप्स के पैकेट, बोतल, ये सब अपने देश में थूक के फेंक देते हैं ऐसे नीचे, बोलते हैं अरे सफाई वालों की काम है भाई सफाई करना।
अरे ऐसा नहीं होता है, जिस भाई वाला ना वो भी इंसान है भाई, उसको पगार मिलती है, सैलरी मिलती है, मानता हूँ, लेकिन यार हम उनका रिस्पेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी ना दूरी पर चल के हम कूड़ेदान में डाल सकते हैं वो सामान, ताकि हमारा देश जो आने जाने वालों के लिए हमारा देश जो है देखने में साफ और सुरक्षित लगे, ठीक है भाई। तो कभी भी अपना कोई भी चिप्स का पैकेट है, बोतल है, कोको कोला है, पेप्सी है, कुछ भी है, ठीक है भाई, कूड़ा कचरा अपने हाथ में रखो, थोड़ी दूरी तक चलो, उसको डस्टबिन तक पहुंचा दो, डस्टबिन से दूसरी जगह ले जाना सफाई कर्मचारियों का काम है। तो मैं बता रहा था कि ये जो फ्लैट है यहाँ वाले, इनका जो रूम रेंट है, रूम रेंट नहीं कह सकते, फ्लैट का रेंट 2 BHK 3 BHK का रेंट है, वो है 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए का रेंट है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे रोड खत्म होता है और ये सनिया बे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं इस समय पे सनिया में हूँ, हाइनान आइलैंड पे हूँ। सफाई कर्मचारी वालों की छोटी छोटी गाड़ियाँ और ये लोग आप देख सकते हैं ऐसे ही खड़े हैं, अगर पेड़ से कोई पत्ता गिरता भाई तो वो लोग ही उठा लेंगे, वैसे कोई पेप्सी कोला कुछ भी आपको यहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये वाली चीज़ मुझे पता नहीं आप लोगों ने पहले देखी नहीं देखी, ये चलता फिरता एक घर है, इसके अंदर खिड़की लगी हुई आप देख सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये चलता फिरता घर है, जहाँ भी जाते हैं अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। तो मैंने कहा कि 2-2.5 लाख रुपये रेंट है यहाँ पे रहने का, ये सब्जी खाना वाना सब बाहर बनाते हैं आप देख सकते हैं, और यहीं पे बीच का आनंद ये भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज भी लिखी हुई है भाई, बिकॉज रशिया के लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। सो मेरे दोस्तों मैं बता रहा था आप लोगों को उसके बारे में, यहाँ पे चलता फिरता घर लेके लोग जो है घूमते रहते हैं, जो लोग अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं, काफ़ी मतलब उनकी एज हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं जॉब से 60 ईयर्स के बाद में, तो वो अपना एक ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ जो है जहाँ मन किया वहाँ घूमना शुरू हो जाते हैं। उनके शूज उतारने पड़ेंगे यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं फोटो खींचने के लिए बीच पे, चाहे तो बीच पे आप इस मोटर बाइक का आनंद भी ले सकते हैं, इनके भी मजे हैं, ये देखिए काफी अच्छा है, मैं भी ट्राई करूंगा इसको। जहाँ भी लोग देखते हैं अमन को, सारे एक साथ बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से है, कितने साल का हुआ है, इतना गोरा कैसे है। तो दोस्तों आज संडे है, संडे पे आप देख सकते हैं सब जो है वीकेंड का आनंद ले रहे हैं। वीकेंड पे इस बीच पे बहुत ज़्यादा भीड़ है आज आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैठ के अपना खाना बना रहे और यहीं खा रहे ये लोग, अच्छा जीवन है, और सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, देखो भाई कैमरे लग रखे बहुत सारे, कोई भी यहाँ पे वारदात नहीं हो सकती, कोई छिड़खानी नहीं हो सकती लड़कियों के साथ, चाइना में लड़कियां भाई इतनी सेफ हैं कि रात को 1, 2, 3 बजे 4 बजे चाहे बिकनी में निकले, चाहे कैसे भी कपड़े पहन के निकले, लड़की फुल आ जाती है, कोई छेड़खानी नहीं, कोई बलात्कार नहीं, तो बहुत अच्छा है भाई सेफ्टी के मामले में। यहाँ पे बीच के चारों तरफ इस तरह के पोल लगे हुए आप देख सकते हैं, सारे पोल पे जो है कैमरे लगे हुए हैं और सरकार की पूरी नज़र है सब पे, देखो लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही हैं, किसी भी मर्द की औकात नहीं है कि इन लड़कियों का रेप करने की सोचे, कुछ भी करे, भैया लड़कियों की भी आज़ादी है मेरे हिसाब से, लड़कियों को भी अपने हिसाब से जीना चाहिए, उनको नहीं टॉर्चर करना चाहिए, उनको नहीं छेड़खानी होनी चाहिए लड़कियों के साथ में, मेरा यह मानना है। ये देखिए दोस्तों लड़की हर रोज़ यहाँ पर आती है, हर रोज़ यहाँ पर बहुत बड़ा एक राउंड जो है लगाती है रनिंग में, कोई परेशान नहीं करता इन लड़कियों को। मैं हिंदुस्तान की ट्रेन की कहानी बता रहा हूँ सबको, मुझे नहीं पता आप में से किसको पता है, ट्रेन चलती ट्रेन में पूरी डब्बा भरा हुआ है, उसमें 150 लोग रहे होंगे, 200 लोग रहे होंगे, उसके पति के सामने उस लड़की का रेप कर दिया, पति के सामने कुछ दरिंदों ने रेप कर दिया, बताओ यार ऐसे दरिंदों को अगर इस जगह पे रखो चाइना में, रेप कर पाएंगे वो, उनको पता है कि यहाँ पे गोली मार दी जाएगी तो वो रेप नहीं करेंगे,
तो दोस्तों मेरी भी भारत सरकार से गुजारिश है, आज तक जिसने बलात्कार किए हिंदुस्तान में और जो करते हैं जो कर रहे हैं उनको तुरंत गोली मार दी जाए, ताकि मेरी और आपकी और हम सब की माँ बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, सबको सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है मैंने सही कहा है तो दोस्तों कमेंट में लिख देना। ये देखिए दोस्तों अमन यहाँ पे बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। रात तक लोग जो है बीच पर रहते हैं बिना पुलिस के बिना सिक्योरिटी के, बस यहाँ पर आनंद लेते हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं ये लोग, और मैं भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर किसी भी बात का खतरा नहीं है कि हमारा बैग चोरी होगा, सामान चोरी होगा, या फिर लोग हमसे लड़ेंगे या मारेंगे, ऐसा कभी महसूस नहीं होता है। डिनर करने के लिए हम पहुंच चुके हैं, दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत फेमस है, और यहाँ पे आपकी भाभी जी योगिता जी हैं, और बहुत मतलब भरा भरा है ये रेस्टोरेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं इसके अंदर रेड बीन और मूंग की दाल ये सब यूज़ किया गया है, और इसके अंदर नारियल के थोड़े थोड़े टुकड़े भी हैं, बहुत डिलीशियस बनाया गया, बहुत सारा कुछ मिक्स है इसके अंदर। इसकी कीमत 150 रुपये है, 15 युआन है। लोग अभी भी बीच की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसे इंडिया में रिक्शे वाले होते हैं, ई रिक्शा मान लो आप, ये भी ई रिक्शा है, चाइना का ई रिक्शा। दोस्तों ये हाइनान ट्रैवलिंग की बस है, यहाँ पे आप बस के थ्रू भी कर सकते हो, बस आती है उसमें अपने अपने लोग बैठते हैं, अपना अपना ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत पता क्या होती है, ये जहाँ पहुँचते हैं आधे घंटे में बोलेंगे फोटो खींचो, चलो 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 चलो, फिर थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे नेक्स्ट स्टॉप पे, एक दिन में आपको ना 15-20 जगह घुमा देंगे ये सिटी की, लेकिन उसी 15-20 मिनट देते हैं कई जगह पे सच में, तो मज़ा नहीं आता। इसलिए फिर हम जो है ना अपना अपना घूमते हैं, हो सके कुछ जगह कम घूम लो लेकिन भाई आराम तसल्ली से घूमें। तो जैसे होता है फॉरेनर्स दूसरे देश में जाने से डरते हैं, अरे वहाँ कैसा होगा क्या होगा, है ना, टूरिस्ट प्लेस है, लूट मार होगी, लूट खसूट होगी, है ना, तो हो जाता है। हिंदुस्तान में हम अपने ही देश में कई बार जाते हैं ऐसी गलियों से, दिल्ली में चले जाते हैं या फिर मुंबई में घुस जाओ या फिर कहीं गली जगहों पे, तो लोग सोचते हैं अरे रात को अकेले डर लगता है। मेरे साथ हुआ भाई, मैं कांड बताता हूँ, जब मैं पहली बार अपनी वाइफ को लेके इंडिया गया था, हमारी शादी थी, 2-3 बाद हमारी शादी थी, तो भाई पठानकोट रेलवे स्टेशन पे मुझे उतरना था, लेकिन मैं पठानकोट में उतर नहीं पाया, सोया रह गया हम दोनों। पठानकोट से 2-3 स्टेशन आगे पहुंच गए, किसी ने बोला कि यहाँ से वापस चले जाना, भाई साहब जैसे हम उस स्टेशन पे उतरे और किसी ने कहा कि आपको यहाँ से थोड़ी सी झाड़ियाँ हैं, यहाँ से क्रॉस करना है, दूसरी साइड पे ट्रैक है, स्टेशन है, वहाँ से वापस जा सकते हो पठानकोट। तो भाई जैसे हमने वो ट्रैक क्रॉस किया, अंधेरा था, बहुत घना अंधेरा था, 2 स्टेशन आगे की बात कर रहा हूँ पठानकोट से आगे, छोटा सा स्टेशन था कोई, तो जैसे वो क्रॉस किया झाड़ियों में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई जंगली जानवर ने हमें परेशान नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, इतनी लंबी झाड़ियाँ क्रॉस करनी पड़ी, लेकिन झाड़ियों से बाहर जब निकले इतने खूंखार गंदे दरिंदे 14 से 15 लड़के भाई, उन्होंने घेर लिया हमें, मुझे मेरी वाइफ को। अब इतनी शर्म आ गई, मैंने अपनी वाइफ को बोला था अरे इंडिया वैसा नहीं है जैसे तुम सोचते हो, जैसे पहले था वैसा नहीं है, अब इंडिया बहुत महान हो चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, मोदी जी इंडिया में है, अब तो योगी जी इंडिया में है, मैंने कहा अब तो धमाका हो रहा है पूरे इंडिया में। भाई साहब उस दिन मेरी बोलती ऐसी बंद हुई, मैंने ऐसा शर्म महसूस किया अपने देश में, ऐसी शर्म महसूस किया, 14-15 लड़कों ने 3 से 4 घंटे तक हमारे साथ इतनी छेड़खानी की भाई, 3 से 4 घंटे तक हमें सड़क पर रोक के रखा, हमारे पास लगेज थे चाइना से, हम बड़े बड़े बैग लेके गए थे, वो घर के लिए गिफ्ट थी, सम्मान था, तो हमारे साथ ऐसी परेशानी इंडिया में पठानकोट से 2 स्टेशन आगे हो गई थी, हालांकि मैं खुद हिंदुस्तान से हूँ, खुद अपना घर जा रहा था, घर जाते हुए लोग मुझे रोक लेते हैं मेरे ही रास्ते पे, तो बताओ मेरे भाइयों अगर एक विदेशी होता वहाँ पे जो काफ़ी पैसे वाला अमीर, उसको क्या करते हो, मर्डर करते, या लड़की अकेले होती तो बलात्कार कर देते। भाई छेड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, यहाँ हमारे आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया, धक्का धक्का मारना शुरू कर दिया, हम उनको कुछ बोले तो पता ही ना चले वो अपनी कश्मीर की भाषा में बात कर रहे, कुछ अलग ही लैंग्वेज, मैं हिमाचल से उनकी भाषा मुझे समझ में आया, तो बहुत ज़्यादा मैंने शर्म उस दिन महसूस की, और मेरी वाइफ को मैंने बोला सॉरी, अब हम कुछ भी करके मैं कोशिश करूँगा
तीन चार बसें वहां से क्रॉस होगी, किसी ने उस जगह पे ओवर ब्रिज के ऊपर बस नहीं रुकी। हम एक घर के बाहर चले गए, एक घर था वहां पे, तो उसके घर के बाहर एक छोटी सी लाइट जल रही थी, हम उसके घर के बाहर बैठे रहे। और पहले मैंने दरवाजा भी खटखटाया उनके घर पर, घर पे कोई नहीं था, उन्होंने लाइट जलाई हुई थी बाहर। तो हम उस घर के बाहर बैठे रहे 2-3 घंटे तक, रात को तकरीबन 2 बजे की बात है ये, रात को 2 बजे ये वारदात हुई हमारे साथ, और हम दो ही लोग थे, ठीक है, मैं और मेरी वाइफ। तो रात के 2 बजे ये वारदात हुई और हम सुबह के 5-5:30 बजे तक वहीं पे भागते रहे, भटकते रहे, कोई मदद करने वाला नहीं था भाई। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसी हरकतें मेरे साथ हुई हैं, जैसे भारत में कोई भी कभी भी बलात्कार कर देता है, लड़की की इज्जत को तार तार कर देता है, कोई भी मर्डर कर लेता है, कोई भी किसी को टांग तोड़ देता, हाथ पैर तोड़ देता, भैया कैसे हिम्मत होती है, क्योंकि कैमरे, क्योंकि पुलिस टाइट नहीं है, रूल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। बलात्कार करने वालों को गोली मारो, मर्डर करने वालों को गोली मारो, ऐसे रूल्स बनाओ कि बंदा सोचे 10 बार। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी और कहां से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।